मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद कहानी 20 साल पहले की दिखाई जाती है, जहां घर में एक फैमिली डिनर कर रही होती है। उनका नाम डॉन, आयरिन और उनकी दो डॉटर सारा और एमी है। वहां पर सारा एक पार्टी में जाने की बात करती है, लेकिन उसके फादर उसे डांट कर उसे कमरे में भेज देते हैं। लेकिन सारा चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। ये बात डॉन को पता चल जाती है कि सारा विंडो से कूदकर पार्टी में चली गई है। सारा और क्रिस पूरी रात पार्टी में गुजारते हैं और सुबह क्रिस उसे उसके घर छोड़ देता है। जैसे ही सारा घर के अंदर जाने लगती है, उसके फादर उसे रोक लेते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, तभी आयरिन आकर इन दोनों के झगड़े को ख़त्म करती है। बाद में एमी, सारा और आयरिन कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां सारा कहती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो इस दुनिया को घूमना चाहती है और तब वो ये घर छोड़ देगी और एक अच्छी जॉब करेगी, क्योंकि वो अब डॉन के साथ रहना नहीं चाहती। डॉन ये सभी बातें सुन लेता है और अपने घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर एक पहले से ही सीक्रेट रूम बना हुआ था। कुछ टाइम के बाद सारा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और वो 3 महीने बाद 18 साल की हो जाएगी। सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से बात कर रही होती है, तब आयरिन आकर उसे कहती है कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है। डॉन और सारा अब घर में अकेले रह गए थे। डॉन सारा को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। सारा डॉन की हेल्प करती है और वो बॉक्स उठाकर सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। इसके बाद डॉन सारा को रूम में अकेला छोड़कर रूम को लॉक कर देता है। ये रूम साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से सारा की आवाज़ बाहर भी नहीं जा सकती थी। उस बॉक्स में सारा की ही चीज़ें थी, जिसे कि सारा उस रूम में रहकर इस्तेमाल कर सके। सारा चिल्लाती है और कोड्स को डालकर रूम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो 3 बार गलत कोड डालती है तो रूम की लाइट और वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो जाती है। सारा उस वेंटिलेशन के जरिए भी मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उस जगह को भी बंद कर देता है। आयरिन और एमी सारा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। आयरिन सारा को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसे सारा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। अगले दिन सारा फिर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी वहां डॉन आता है, जिसे धक्का देकर सारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। उसके बाद डॉन दोबारा सारा को बालों से पकड़कर रूम में फेंक देता है। वो सारा से कहता है कि अगर वो उसकी बातों को मानेगी तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन सारा इनकार कर देती है। डॉन को गुस्सा आता है और वो उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। कुछ दिनों के बाद सारा को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो डॉन उसे बताता है कि सारा हमसे दूर जाना चाहती थी, वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। जिस पर आयरिन कहती है कि उसने सिर्फ ऐसा कहा था और वो ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस वाला कहता है कि हमें सारा का कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। एक दिन क्रिस घर आकर डॉन से सारा के बारे में पूछता है, जिस पर डॉन उसे कहता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ फ्लोरिडा चली गई है। अब सारा को इस रूम में 21 दिन हो जाते हैं। डॉन सारा के लिए केक लेकर आता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, और डॉन सारा को एक रेड कलर की ड्रेस भी देता है, जिसे वो सारा को पहनने के लिए कहता है। डॉन सारा के कहने पर रूम में एक घड़ी लगा देता है। अब ऐसे ही 38 दिन बीत जाते हैं। सारा रूम में बैठकर एक कैन से खाना निकालकर खा रही होती है। वो उसके ढक्कन को इस्तेमाल करके वेपन बनाती है। जब डॉन आता है तो वो उस पर उस वेपन से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटकर जख्मी कर देता है। अब दिन गुजरते रहते हैं और सारा का डिलीवरी का वक्त हो जाता है। वो एक बुक पढ़ती है और बिना किसी की मदद से एक बच्चे को पैदा करती है। उसे एक लड़की होती है, जिसका नाम वो मैरी रखती है। ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं और आयरिन सारा के लिए रोती रहती है। बेसमेंट में मैरी भी बड़ी हो जाती है और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है, और अब डॉन का प्रमोशन हो जाता है। सारा डॉन से कहती है कि वो उन्हें इस बेसमेंट से निकाल दे, लेकिन डॉन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद डॉन, आयरिन और एमी डिनर कर रहे होते हैं। आयरिन कहती है कि उन्हें सारा के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहिए, लेकिन डॉन इनकार कर देता है कि उन्होंने 5 साल से सारा पर काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है और अब वो एक भी डॉलर सारा पर खर्च नहीं करेंगे। क्रिसमस पर डॉन सारा को एक टेलीविज़न देता है। मैरी और सारा दोनों ही टेलीविज़न को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं।
और दोनों टेलीविज़न को चलाकर कार्टून देखना स्टार्ट कर देते हैं। और अब आयरिन को सारा का इंतज़ार करते हुए 7 साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ बेसमेंट में मैरी को बहुत ही तेज बुखार होता है और सारा का दूसरा बेटा माइकल भी बड़ा हो चुका होता है। डॉन मैरी के लिए मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन सारा कहती है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि उसे बहुत ही तेज बुखार है। लेकिन डॉन वहां से चला जाता है। अगले दिन क्रिस एमी से मिलता है, जहां एमी बताती है कि सारा किसी भी स्टीव को नहीं जानती और वो उसके साथ फ्लोरिडा नहीं गई। एमी घर जाकर आयरिन को बता देती है कि डॉन ने सारा के बारे में क्रिस को झूठ बोला है और डॉन ने हमें ये भी नहीं बताया कि क्रिस हमारे घर पर आया था, जिस कारण आयरिन और डॉन के बीच में झगड़ा हो जाता है। डॉन आयरिन के पीछे जाता है और वहीं सोफे पर अपनी कीज़ को भूल जाता है। एमी वो कीज़ उठाती है और बेसमेंट में जाती है। एमी बेसमेंट में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी डॉन वहां आ जाता है और उससे अपनी कीज़ मांगता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिस कारण एमी वहां से चली जाती है। अंदर मैरी और माइकल जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो सारा से क्वेश्चन करके उसे तंग करते हैं कि डॉन उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों करता है, लेकिन सारा उनको बातों में लगाकर उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद सारा का थर्ड बेबी पैदा होता है, जिसका नाम वो थॉमस रखती है। डॉन जब रूम में आता है तो वो उसे कहती है कि रूम में अब इतनी जगह नहीं है कि हम 3 बच्चों को रख सकें। डॉन इस बात को मानकर थॉमस को अपने घर के बाहर रख देता है और साथ में वो सारा के हाथों लिखा एक लेटर भी छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि वो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण थॉमस को नहीं संभाल सकती और वो एक दिन घर वापस जरूर आएगी। आयरिन थॉमस को उठाकर घर के अंदर ले जाती है, लेकिन वहां पर एक लेटर होता है जिसे डॉन उठा लेता है। डॉन ये लेटर ले जाकर सारा के मुंह पर मारता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। अब 14 साल गुजर चुके होते हैं। सारा माइकल के बाल काट रही होती है। उधर मैरी मेकअप करके डॉन के सामने आती है। डॉन मैरी की तारीफ करता है, लेकिन सारा डॉन को मैरी से दूर करती है और उसे रूम से बाहर जाने को कहती है। सारा अपनी स्टोरी अपने बच्चों को बताती है कि डॉन उसके फादर है। ये सुनकर माइकल और मैरी रोने लगते हैं। अगले दिन डॉन बेसमेंट में आता है तो माइकल डॉन से लड़ने लगता है और उसको धक्का भी देता है। डॉन चुपचाप वहां से चला जाता है। एक दिन बेसमेंट की छत लीक हो जाती है और वहां से बारिश का पानी अंदर आ रहा होता है। सारा उस छत को स्पून से खोदती है और लाइट बाहर की तरफ जलाती है। तभी एक आदमी आकर डॉन को बताता है कि आपकी बेसमेंट की लाइट जल रही है। डॉन बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण उसका 4th बच्चा मुर्दा पैदा होता है। डॉन उस बच्चे को ले जाकर दफन कर देता है। सारा डॉन को बताती है कि उसने अपने बच्चों को सब कुछ बता दिया है। डॉन गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। अब 20 साल बाद मैरी को अस्थमा का अटैक आता है। सारा डॉन से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वरना मैरी मर जाएगी। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद डॉन मान जाता है और वो मैरी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैरी की जान बच जाती है। डॉक्टर सारा को फॉर्म फिल करने के लिए कहती है, लेकिन डॉन वो फॉर्म ले लेता है। सारा को दोबारा बेसमेंट में नहीं जाना होता, इसलिए वो फॉर्म को ख़राब कर देती है। और जब डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है तो सारा मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर से मदद मांगती है। तभी डॉन भी वहां आ जाता है और वहां पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, जो कि डॉन को पकड़ लेता है। और तब डॉन सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और फिर माइकल को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। थॉमस और आयरिन ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों भाई बहन मिलकर बाहर खेल रहे होते हैं और सारा अपनी माँ और सिस्टर के साथ बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ क्रिस आता है और उसने अभी तक शादी नहीं की होती। उससे मिलकर सारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर दोनों बाइक पर बैठकर घूमने चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।